टाइम हो चुका है 5:30 और हम लोग जा रहे हैं डोरू विद सासू आंटी। कौन से? जो अमर वो जा रही सासू आंटी और अभी हम लोग चाय वगैरह और चाय के साथ कुकड़ी जो होती है ना, मतलब खाने का मजा हर कुछ आ जाता है। दीदी हेलो भाई, जब से आप आए हो ना, चलो तब से आपने पेला ही दिया हुआ है। ना मुन्नी तेरे पास हो रही है, कोई बात नहीं है, रख ले। वैसे तू बोलती है यार मुझे मुन्नी को ठाना है, किसी भी हाल में मेरे को मुन्नी की बहुत याद आ रही है, ये बोली हुई है और झूठ बोल रही है, अब इसका विश्वास मत करना। तो नहीं, इसका मतलब दीदी मैं हॉनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। नहीं मैं मुन्नी की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं मुन्नी की बात कर रहा हूँ। जब ये सोलन में थी ना, कहती मेरा बड़ा मन कर रहा है मुन्नी को उठाने का, मैंने खेलना था, और अब बोल रही कि माखी मुन्नी छोड़ के जाने लगी रहे। क्या बोला इसने? ये तो बात बोली नहीं है, फिर सच बताइए क्या बोले तुमने? काम भी दे दिया, मुन्नी भी दे दिया। हाँ ये बंदा जिसका ब्लॉग है ना, ये बहुत ही चालू बंदा है, ये 2 मिनट में सबको लड़ा देता है, मंथरा का काम करता है। मंथरा नहीं, मंथरा कौन सी पता है? दीदी ऐसी बातें ना बोलो यार, बंदे क्या सोचेंगे यार, ऐसी बातें ना बोलो यार। भाई आप चलो, आप जब से है ना ठूसा ठासी शुरू की हुई, घर पे रख लो, आपका फास्ट महंगा पड़ रहा है, चलो घर पे रख लो। दीदी है, दीदी साडू भाई सुबह शाम देनी है केक। ये बंदा जब से आए ना, जब से खीरा में गेड़ा दिया हुआ, कम से कम कीड़ों खीरा वो खीरा खा गए होंगे, और 10-15 ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्या जो खा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, अखरोट, अखरोट नहीं अखरोट, क्या क्या बोलते अखरोट। ये साडू भाई महंगा पड़ गया सासू आंटी को, बोले मेरे जॉइ एड़ा आया था खीरे मुकाई था साढ़े डोरू। साडू भाई सासू आंटी पता क्या बोल रहे हैं, सुनो सासू आंटी बोल रहे हैं, तुसा कदे ही जाना है। सासू आंटी बोल रहे हैं जब से आया था खीरे में और अखरोट में गेड़ा दिया हो, कितने सारे खीरे लगे हुए हैं, डाल भर के अखरोट है, खाने वाला कोई है नहीं, हम खा रहे हैं। मैंने आपको बोला शूज पहन लो, लेकिन आप माने नहीं। हां देखना है पैर में, मैं बोल रहा हूं इसके टांटे बड़े बुरे लगते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं डोरू में और हवा चली बड़ी जनाटेदार, तो मैंने साडू भाई को बोला था कि आप बूट पहन लो, मैं चप्पल पहन लेता हूँ। दीदी ऐसा मत सोचा करो मेरे बारे में गलत, लेकिन देख के आ रहे दीदी, ऐसा नहीं बंदा स्ट्रांग बंदा है। हाँ इतना सॉफ्ट मत बनाओ यार दीदी, बिलासपुर का बंदा है। तो आइए हम खोज करते हैं, क्या ढूंढ रहे आप? कद्दू। कद्दू, अच्छा लो जी कद्दू, बतेरा दुनिया भर का है, और ये कद्दू सबसे बढ़िया होना दीदी वाला। ओ यार आपका तोड़ने का तेरी का देखो कैसा है, ऐसे तोड़ते हैं गोल गोल करके, बेल खराब होती है। अरे कभी हमारा साथ भी दी। अब ये जो कर्टन्स देख रहे हो, तो अगर इस तरह के कर्टन्स आपको चाहिए, देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन है, अगर आपको इस तरह के कर्टन्स चाहिए तो आप मेरा लिंक पे जाके, डिस्क्रिप्शन में हमेशा जो है लिंक डाला है, तो अगर आप इस तरह के क्या हुआ, अगर आप इस तरह की शॉपिंग करना चाहते हो तो ये आपको मेरा लिंक में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरा लिंक जैसे ओपन करोगे तो इस तरह के कर्टन्स, इससे भी अच्छे अच्छे अगर आपको चाहिए, अगर आप चाह रहे हो तो ये आपको उसमें मिल जाएगा, जब वहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, और इनफैक्ट दीदी ने भी ले दी थी। करिए आपने शॉपिंग मेरा लिंक से, है नहीं? कलेक्शन अच्छी है, नो डाउट कलेक्शन अच्छी है, क्योंकि चारू नागपाल जो है उन्होंने भी क्लिक किया था, उन्हें बोला कि कपड़े अच्छे हैं और तो मैं पक्का शॉपिंग करूँगी, तो मैंने ठीक है अच्छी बात है आप करो, मैंने कहा जिसको अच्छे लग रहे हैं आप करो, ओपन करो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो वो बात अलग है, लेकिन लिंक को ओपन करके एक बार देखो कि किस तरीके के हैं, और कमेंट्स करके मुझे भी बताओ क्यों। अभी डाउनलोड करें और बाय गोल्ड में। तो ये है कर्टन्स, और भी चीज़ें हैं, आप मेरा लिंक पे जाओ, क्लिक करो और चेक करो, और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको उसमें जो कलेक्शन डाली है किस तरीके की अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, वो जरूर बता दिया करो यार, जब देखो लाड़िए का साथ देते रहते हो यार, लाड़ी का साथ देना पड़ता है, पता है ना मुझे धर्मशाला, बस मुझे पता है, मुझे पता है भाई, मैं भी शादीशुदा बंदा हूँ, मेरे को पता लग गया बंदा क्यों तारीफ करता अपनी बीवी होगी, पता ना कि मैंने धर्मशाला जाना है, किसकी आप करते हो अपनी बीवी की तारीफ? नहीं क्यों, मैं तो नहीं करता। साडू भाई बोलता है यार तैनो इधर आना, मेरे को रोटी नहीं मिलती टाइम नहीं, तो बोले कई बार मेरे को ही बनानी पड़ती है, क्यों भाई? कई बार हो चुका है ये, देखो साडू भाई बोल रहे कई बार ऐसा हो गया कि मुझे खुद रोटी बनानी पड़ती है। साडू भाई वीडियो बन रही है, फैक्ट सही सही बात बोल दो, हो आपके साथ ऐसा? डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, डरो मत, वायरल कर दो वायरल।
तो हम लोग शाम का टाइम है 5:30-6 बजे हुए और हम लोग आए हुए डोरू में और डोरू का मजा लिया जाएगा घूमने का। बस ये जो टांडे जो देख रहे हो ना उसको टांडे बोलते हैं। तो दीदी तभी मना कर रही थी कि भाई शूज पहन के क्यों नहीं आया, दानिश ना समझदार बन रहा है। मैंने बोला था उनको शूज के लिए लेकिन ये मानी नहीं। तो चारों तरफ कुछ ना कोई आपको आइटम दिखती रहेगी। दीदी क्या लगाया सामने, ये बाथू? अच्छा बाथू है, अच्छा ये बाथू है। कुछ खीरे है, कुछ भिंडी है, कुछ अदरक है, कुछ क्या है, कुछ क्या है, कुछ ना कुछ बस खीरा है, भिंडी है, अदरक है, तोरी है, गोभी। ऐसे आप ऐसे आता था ना लखीमपुर में? क्या लखीमपुर में कहाँ है कद्दू? क्या बोलते हैं, पपकिन? पपकिन किसको, कद्दू को? आज पता लगा मेरे को, पपकिन के ये पपकिन अरे पपकिन तो दिखा दिया मैंने मेरी माँ, ये तो पपकिन दिखा दिया। मैं आया नहीं था दिन में, मैंने दिखा दिया था पपकिन। साठ भाई जरा एक बार और बोल रहे, जरा नहीं एक बार नहीं पैसे नहीं, एक बार जो आप बोल रहे थे ना तो बहुत बढ़िया। यार कैसे बंदे हो यार, बैंक में लगे हो भाई जी आप, तब भी आप 500 रुपए मांग रहे हो। भाई साहब अपना स्किल नहीं बेचना होता फ्री में, ऐसी बात मत कीजिए। अगर आपको पता है मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ जितना आपके माँ बाप भी नहीं करते आपसे, पता है? हाँ। और क्या, आपको मैं इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ मैं आपको। कोई नहीं, क्यों पंजी ब्लू में प्लॉट मेरे नाम करना है। प्लॉट तो ऐसे बोल रहे पैसे पत्थर ही मिलो देती है सासू आंटी, मैंने प्लॉट तो यहाँ लगी रहा बोलने दे, पत्थर ही मिलो देती पंजी ब्लू तो। साडू भाई क्यों गेड़ा दिया हो आपने, जब से आप उसको खा रहे हो ना भाई, आपने 50-60 खा दी होंगी जब से आप आए होंगे। हॉनेस्टली बताना 50-60 कहाँ खाए साले, एक को तोड़ तोड़ के खाने में 15 मिनट लग रहे हैं। क्या पपकिन, क्या बोलते दीदी, ये क्या है, ये देखो कितनी छोटी छोटी तोरियां लगी है। नहीं तोरी तो लगी है ना, ये क्या है ये बताओ आप। अरे तो क्या बोलते हैं, जुकीनी? जुकीनी नहीं, ये कद्दू है, घी है, क्या है ये? किसकी फैमिली? अब जुकीनी किसको बोलते हैं? जुकीनी जो लंबी वाली तोरी नहीं होती है, ऐसी वाली, ऐसी कलर वाली, उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, पता नहीं सासू आंटी ने क्या क्या लगा रखा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। साडू भाई की गाड़ी, साडू भाई की गाड़ी नहीं दिख रही, इधर है ना, इस साइड है ना, इधर है, यहाँ से दिख रही है आपको। दीदी तो ऐसे पूछ रहे कि तूसा के दोनों नहीं काम, ये तो ऐसे बोल रहे हैं मतलब गियर कद्दू ही खाते रहेंगे। सासू आंटी पहली परेशान होगी, कद्दू गिया खा के ले जाओ इतना देवे, अति होगी रही तो है। काकड़ी क्या ले, हमने तो घर जाना है, हमने क्या लेनी काकड़ी, वहाँ भी काकड़िया काकड़िया कद्दू मिलने, पूछ लेना एक बार सुमन को, बाकी बेचने ले जाए। कल जाना हमने, कल तो चेकआउट हो जाएगा हमारा, डिपार्चर डेट था हमारा 3-4 दिन, अभी तो 10-15 ऐसे खा दी ना आती। ओ भाई आपके ऊपर ही जस्ता है, बोलो एक बार, अभी जो बोल रहे थे बहुत बढ़िया लग रहा है, बोलना दीदी एक बार बोलना अभी, वो जो जैसे भाई बोल रहे हैं। अरे वो मेरे को आता है बोलना, आपको भी नहीं बोल पाएगा। भाई मटर लगाया हुआ है, ससुर जी को पता लगा ना चाट देना इन्ना, तो बोले के लगी रह रहे तो उससे मटर का डोरू करता खराब है साडू भाई, बोले मटर भाई बैंगन मेरे को भी निकाल देना यार, रुको मैं तसला लाता हूँ, रुको तसले में, अरे तसले में डालो ना, हम भी ले जाएंगे ना, तभी बोल रहा हूँ हम भी ले जाएंगे 16 ना, बचत ही होगी थोड़ी बहुत। तो हम लोग काट रहे हैं सब्जी, सब्जी काट रहे तोड़ रहे हैं, तो हम लोग तोड़ रहे हैं साडूज बैंगन। क्यों साडू भाई क्या दिखा रही हो? क्या बोल रहे हो, ये पूछ रहे क्या बोलते हैं आप, धमाका जैसा हुआ कुछ, टायर टूर नहीं फटता किसी का नहीं। बैंगन बैंगन है, कहाँ तक लगाए हुए बैंगन इन्होंने? आप मटर मत करो खराब, नीचे देखो आप मटर दबा रहे हो। अरे यार पापा को पता लगाना, ससुर जी ने बोलना, मैं जरा साडू भाई के साथ मदद करा लेता हूँ, उसके बाद 5:30 बजे अभी 5:30 बजे का शाम को क्या ब्लॉग बनेगा वो बनाना शुरू करूँगा, और ये होगा 9 अक्टूबर का ब्लॉग। ससु आंटी तेवे क्या बनाया तुझे रोटी? जब खाने को मिलेगा ना तब खाने दे। अच्छा चौधरी है, चौधरी का चांद हो। चौधरी का चांद होता है। अच्छा चौधरी का चांद होता है।
देखो एक चौधरी, अच्छा ऐसा होता है, एक एक चौधरी चांद तुसे लेगी, एक चौधरी चांद आसे लेगी। अच्छा बड़े साधू छाडू लेगे, एक जाने वाला है। चौधरी का चांद, क्या गाना क्या होता है, दोबारा कहिए जरा। सुनो अगली गाड़ी तो सुनो, अब चौधरी साहब के पास अपना पर्सनल चांद रह जाएगा, बाकी सारे चांद। अच्छा चौधरी साहब के पास अपना पर्सनल चांद रह जाएगा, बाकी सारे चांद निकाल दिए, तीन चांद निकल चुके, एक चांद बता है, छोटा वाला चांद बचा हुआ बस अभी है। तो सासू आंटी जो है खाना बना चुके हैं, और जरा हम जरा सासू आंटी क्या बात है, ये देखो जी मिर्च का अचार सासू आंटी ने बना दिया है, और ये जो मिर्च का अचार की रेसिपी मैं दिन में मैंने बता दिया था, नमक एक मिनट रुक, नमक था इसमें, नमक और आपका नमक, जीरा, धनिया, राई, सरसों के तेल में, सुनो सरसों का तेल गरम किया ना सासू आंटी, सरसों का तेल गरम किया, उसमें फिर ये मिर्च डाल दी, मिर्च में वो मसाला मिला, अच्छा मिर्चों में वो मसाला, मतलब तेल में वो मसाला मिला दिया, फिर मिर्ची डाली। ओके चावल हमारे बने हैं दिन के, ठीक है, और ये हैडपम्प का पानी है, आज पता नहीं कैसा पानी आया, बड़ा खतरनाक पानी आया, ऐसा लग रहा है मजा नहीं होता। तो अभी हम लोग जो है डिनर करेंगे, और अरे सब्जी नहीं दिखाई आपने, सब्जी क्या बनाई है, ओ वाओ मैन, अच्छा कड़ी है दिन की है ना, ये तो दाल है ना, कड़ी सुबह की, मैं तो नौनी के साथ खाऊंगा आज दाल, मैं घी नहीं खाऊंगा नौनी के साथ। यार दीदी करवा लिया आपने काम इनसे असाइनमेंट का, नहीं वो टेंशन, अच्छा करा लिया दीदी काम आपने, अरे खुद भी कर लिया करो यार दीदी, इतने बड़े हो गए यार आप अभी भी यार बच्चों से काम करवाते हो, हाँ बताया जरा क्या यार प्रीत, तू ही बता, अबे भाई तेरे बड़े बुरे हाल है, तभी तभी ऐसा हो रहा है तू, क्या ऐसा, जब तू तेरे खाने पाने गेड़ा रहो, बाकी काम कीजिए तू, अभी तेरे को इतना समझाया मैंने, तो कोऑपरेट करियो मेरे को, ध्यान रखियो, कोऑपरेट करता हूं हर बार, बच्चों को भी क्या कर सकते जी, मेरे जगह दिखा रेटिंग दिखा जरा अपनी, अरे मेरी बेटा और तेरी रेटिंग, तो दीदी ठीक है यार इसकी है ना, अरे भाई मेरी रेटिंग देखोगे ना दीदी, रेटिंग भाई इनकी तो फिर भी ठीक है, मेरी रेटिंग पता कैसे कीड़े मकोड़े होते हैं मेरी रेटिंग में, तो भाई मैं एक बार लिख देता ना, बंदा बोलता है भाई मेरे को नहीं समझ आ रही दोबारा लिख, ऐसे क्या देख रहा तू, पहले चूड़ी लेके आओ मासी की, चल चूड़ी लेके आओ जल्दी जल्दी, चूड़ी लेके आओ, चूड़ी फेंक क्या, फेंक ही नहीं लेके आ जल्दी, कहाँ है चूड़ी, ये दी इधर, चूड़ी उठाओ चलो उठाओ, दो मासी को दे, चल चल मासी को दो जल्दी, दो मासी को थैंक यू, आपको लगता है कि मैं इसको डराऊंगा या बोलूंगा, उल्टा मेरे को झरकाता है ये, मौर्या मौरी पापा को झरकाया मत कर, कैसे झरकाते हो पापा को मासी को, देखो नहीं किसको झरका रहा है तू, पापा को झरका रहा है, मासी को बताओ कैसे झरकाते हो पापा को, ऐसे झरकाते हो पापा को, डेओ इसको डेओ जी डेओ, क्या अरे रहने दे यार, अरे सासू आंटी हमारे साथ भी बात कर लिया करो यार, तुसा बस यही जॉइन दिखो, तुसा के आसे नहीं दिखते इतनी, आसा साथे भी गल कर लिया करो थोड़ी, हमारे साथ भी बात कर लिया करो, ये देखो जी मेरा पेट बढ़ गया, अगर मेरा पेट ऐसा होता तो कितना गंदा लगता मैं, देखो ऊपर से बॉडी इतनी अच्छी और सामने से पेट देखो, दीदी भी हंस रही है देखना, देखो यार मेरा पेट देखो दीदी, ओ भाई वाकई में अगर मेरा पेट ऐसा होता कितना गंदा लगता है यार, मैं ऊपर से देखो वन मैन आर्मी लिखाया और देखो नीचे से पेट कैसा हो, लेकिन शुक्र है मेरा पेट ऐसा नहीं है दीदी, कितना बुरा लगना था ना मैं, कितनी गंदी पर्सनैलिटी लगनी थी मेरी यार, और मैंने फ्लाया और मेरा पेट ऐसा है नहीं, मेरा पेट ये है देखो, हम अंदर कर ले देख, ये है मेरा पेट ना ना बड़ा बुरा, ये तो मैंने फुलाया देखो, ए तू तू करके दिखाया से, मैं मान जाऊंगा तू नहीं करके दिखा, ये ऐसे ए ऐसे ये दे, ए मेरे को जरूरत नहीं, ए पेट दिखा, तेरा पेट तो नहीं है यार, अरे इसमें फैट आएगा, पेट नहीं फैट है, बोले दीदी बोले फैट है, फैट शुगर फैट बोला, फाट नहीं बोला, फाट क्या होता पता तेरे को, उसको पता नहीं फाट क्या होता है, फाट नहीं पता आपको, फाट
9 अक्टूबर का ब्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, और काफ़ी कम समय में लोगों का जो है रिस्पांस मिल रहा मुझे, और फाइनली जो है मैंने $100 कमा लिए यूट्यूब से, तो उसका यूटिलाइज मैं क्या करूँगा, इसका ब्लॉग भी आपको बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन जब मैं ब्लॉग बनाऊँगा तो वो ब्लॉग आप लोगों को सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लगेगा। तो ये है 9 अक्टूबर का ब्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और एक बार और बोलना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं डे बाय डे, अच्छे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, और इतने कम समय में मैंने जो है यूट्यूब से $100 कमा लिए हैं, और बहुत जल्दी उसको विड्रॉ करके और आपको एक और सरप्राइज मैं देने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। बेस्ट।